हेलो व्यूवर्स, कायनात किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन कबाब। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसे हम चिकन कबाब कहते हैं बैंगलोर में, आपके यहाँ क्या कहते हैं कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो यहाँ मैंने ले लिया चिकन और उसमें डाल दूँगी मैं नींबू। मैंने यहाँ एक नींबू लिया है, इसे अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे और इसके जो भी बीज होंगे उसे निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ डाल देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये मैंने फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट पीसा है। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद मैंने यहाँ डाल दिया है 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, और उसके बाद मैं यहाँ डाल दूँगी कबाब मसाला 1 टेबल स्पून। इसमें ना कॉर्नफ्लावर भी है। उसके बाद मैं यहाँ डाल दूँगी दही 100 ग्राम और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और जो मैंने कबाब मसाला डाला है उसमें नमक होता है, इस वजह से मैं यहाँ नमक नहीं डाल रही हूँ, बट आप अपने हिसाब से नमक डालें स्वाद अनुसार। और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे रख देना है लगभग आधे से 1 घंटे के लिए। तो मैंने इसे रख दिया था 1/2 घंटे के लिए। उसके बाद यहाँ मैंने ऑयल अच्छे तरीके से गरम कर लिया है और यहाँ डाल दूँगी मैं चिकन। और यहाँ मैं स्टील की कढ़ाई में चिकन फ्राई कर रही हूँ, तो ये नीचे से चिपक सकता है, आप चाहें तो नॉन स्टिक में बनाएं, उसमें नहीं चिपकेगा। या फिर आप इसमें एक अंडा भी डाल सकते हैं जिससे ये चिपकेगा नहीं। तो जितना एक बार में आएगा मैं यहाँ डाल दूँगी फ्राई करने के लिए। ये देखिए, मैंने कहा था जैसे कि स्टील की कढ़ाई में ये चिपकेगा, हल्का हल्का सा चिपका था वैसे। अगर आपके पास नॉनस्टिक की कढ़ाई नहीं है तो आप लोहे की कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं, उसमें भी नहीं चिपकता जल्दी। तो ये देखिए, ये अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। अलट पलट कर इसे और 2 से 3 मिनट और फ्राई कर लेंगे, इसका कलर थोड़ा सा और चेंज कर लेंगे। और ये देखें, ये भी अब पक चुका है, अब इसे निकाल लेते हैं। हम अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। तो कैसी लगी आपको ये सिंपल रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसे सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तब तक के लिए बाय बाय।